नमस्ते सभी को। तो कल हम लोगों ने यह असाइनमेंट लिया था कि अपनी कल्पनाशीलता को देखना है और उसको निरंतरता में देखने की कोशिश करनी है, और फिर ये देखना है कि हमारा ध्यान कितनी देर अपनी कल्पनाशीलता पर बना रहता है। आपकी कल्पनाशीलता किसी एक विषय पर ही रहती है या कि एक विषय से दूसरे विषय पर शिफ्ट होती रहती है। यदि आपका ध्यान कहीं और चला जाता है तो कहाँ जाता है, आप किन चीजों पर ध्यान देते हैं, क्या खुद ही अपने अवेयरनेस में तय करते हैं या अवेयरनेस के बिना आप ध्यान यहाँ से वहां जाता रहता है। इस तरह के कुछ मुद्दों को अपने में ऑब्जर्व करना था, फिर अपने कल्पनाशीलता में चल रही इच्छा विचार आशा को अलग करके देखने का भी प्रयास करना था। तो ये हम लोगों ने गृह कार्य कल भी लिया था, परसों भी लिया था, और कल हम लोगों ने एक और बात इसमें जोड़ी थी कि हर 4 घंटे पे अपने में ऑब्जर्व करना है, कुछ समय निकाल कर, आधा घंटा 15 मिनट। कुछ साथियों के भी शेयरिंग था कि सुबह में थोड़ी व्यस्तता है, इसलिए सुबह में जब ध्यान देने का प्रयास करते हैं तो उस विधि से ध्यान नहीं दे पाते। ये बात हुई थी कि दिन में जब आप खाली होते हैं तब उसको कर लें। तो यदि हम लोगों ने कल सुबह के सत्र के बाद अलग से बैठकर इस अभ्यास को किया है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हमें से कितने लोगों ने अलग से अभ्यास किया सुबह के सत्र के बाद, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। जी अभी एक भी रिस्पांस नहीं आया है, ठीक है, बढ़िया। श्रीजा जी, कशपाल जी, प्रशांत जी, बढ़िया, ठीक है, इसको हम लोग करें। जी संगीता जी करें, शाम को किया, इसको हम लोग करें, इसे एक अभ्यास में ले आए तभी उपलब्धि है। तो प्रस्ताव तो ध्यान में आ गया है, ध्यान देने की वस्तु क्या है ये भी उस पर भी ध्यान चला ही गया है, अब उसको अभ्यास में करना है। तो अपने भाव के प्रति हमारा ध्यान देने का अभ्यास बना रहे तो धीरे धीरे हमारी गति बनती चली जाएगी। हाँ नमस्ते भैया। नमस्ते। जैसे हम कई सारे संबंधों में होते हैं और संबंधों का निर्वाह भी कर रहे होते हैं, और जब कंटेंट एक्सप्लोरेशन के बाद हम उस बात को समझ के और अच्छे से निर्वाह कर पाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो वो चल रहा है, लेकिन जैसे अभी लास्ट 3 मंथ्स में कल इवनिंग में थोड़ा सा इस तरह की कोई बातचीत हुई संबंध के साथ में, तो कुछ संबंधों को हम बहुत अच्छी तरह से निर्वाह कर रहे होते हैं हमारी साइड से, लेकिन सामने से वापस उस संबंध की तरफ से जो एक अपेक्षा बन जाती है, जो कि बननी चाहिए, पर उस अपेक्षा के अनुरूप बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा होता है, तो कई बार थोड़ा सा इंटरनल रिएक्शंस चलती हैं और उसकी वजह से एकदम से हम डाउन सा फील करते हैं, डाउन इन द सेंस कि थोड़ा आइसोलेशन, और उसमें बहुत ज़्यादा पीड़ा नहीं है लेकिन एकदम से जो चल रहा था रिदम एकदम से ब्रेक होता कुछ घंटों के लिए, 2-3-4 घंटे के लिए, और उस समय हम पूरी अवेयरनेस से उसको देखने की कोशिश भी करते हैं कि ये सब जो हुआ है ये क्यों हो रहा है, कुछ व्यवहार में कुछ इस तरह के शब्दों के प्रयोग से या इस तरह की सामने से प्रतिक्रिया की वजह से, या उसमें भी ये होता है कि संबंध का निर्वाह जिसको जिस तरह से करना चाहिए उस तरह से नहीं किया है तो उसकी वजह से, तो जो डीप रूटेड मान्यता है ये भी लगता है कि उसी की वजह से हो रहा है, क्योंकि पास्ट में भी इस तरह का व्यवहार होता है, इस तरह की घटना, जब ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा सामने वाले से संबंध की जो एक अपेक्षा होती है वो नहीं पूरी हो रही है और हम उसकी तरफ से पूरी तरह से निर्वाह कर रहे हैं, तो वो जो आता है 2-3 घंटे का, उस समय पूरी ढंग से देख नहीं पाते भैया, तो उसको और ढंग से अवेयरनेस से कैसे जोड़े, क्योंकि ये भाव तो समझ में आया कि संबंध का होना चाहिए लेकिन हल्का सा विरोध तो आता ही है कि जब सामने वाला बिल्कुल उसको उस संबंध के निर्वाह को उस लेवल पे भी नहीं कर पा रहा है जो मिनिमम अपेक्षा है, तो उस समय हम और कैसे अपने आप को इंटेंस करें और संबंध के भाव को सुनिश्चित कर पाए, ताकि जो पुरानी मान्यताएं बनी हुई है उसकी वजह से उस समय पर हम थोड़ा सा डाउन या आइसोलेटेड फील नहीं करें और उसी तरह से हम बने रह सकें जिस तरह से हम पहले से निर्वाह कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल उसी तरह से तो नहीं बने रहेंगे, क्योंकि तो अब मूल्यांकन में कुछ नई चीजें जुड़ गई हैं, तो इसमें जो आप स्थिति कह रहे हैं वो ये है कि एक तरह की निराशा की स्थिति बनती है कि हमने जितना प्रयास किया उससे जो फल परिणाम की आशा थी वो पूरी नहीं हुई, है ना।
तो आपको लगता है कि इतने दिनों तक जो मैंने प्रयास किया उससे इस व्यक्ति के आचरण में इतना परिवर्तन होना चाहिए, इस व्यक्ति के भाव में विचार में इतना परिवर्तन होना चाहिए और वो नहीं हो पा रहा, तो उसकी थोड़ी निराशा हुई। बट उसमें निराश होने के बजाय हम वहाँ पे अपने मूल्यांकन को फिर से एक बार कर सकते हैं कि अच्छा अभी इस व्यक्ति के लिए इतना प्रयास पर्याप्त नहीं है, क्योंकि मान्यता और गहरी है, संस्कार और गहरे हैं, इसलिए इस व्यक्ति में अभी तक इतना परिमार्जन नहीं हो पाया। तो हमारा मूल्यांकन है ना एक तरह से अपडेट होता है ऐसे अवसरों पर। तो आपका मूल्यांकन अपडेट होगा तो उसके साथ बिल्कुल वही स्थिति रहेगी ऐसा नहीं होगा, बट उस अपडेटेड मूल्यांकन के साथ अब आप आगे योजना बनाएंगे उस व्यक्ति के साथ संबंध में निर्वाह के लिए। बट ये जो 3-4 घंटे हम डिप्रेस फील करते हैं, निराश फील करते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। हमें दिख जाता है कि हाँ इस व्यक्ति में अभी और काम होना शेष है। इसमें आप एक और चीज नोट करेंगे कि हो सकता है कि वांछित फल परिणाम आ गया, बट इस बात को भी आप देख पाएंगे कि जो वांछित फल परिणाम आया है समझ कर आया है या कुछ मान कर आया है। तो अगर मान कर आया है तो उसमें कॉन्टिन्यूटी नहीं है। हम ये भी देख सकते हैं कि जो वांछित फल परिणाम हम लेकर चल रहे हैं वो हमने भी ठीक से उसके मूल्यांकन किया है कि नहीं। कई बार एक्सप्रेशन में कोई चीजें आ जाए उसको हम लेकर चलते हैं, एक्सप्रेशन में ये चीजें आ जाए, बट उसका जो अंडरलाइन फीलिंग है, जो समझ है, उस पर तो काम हुआ नहीं, तो टेम्पररी ही है। तो अभी हमारा ध्यान जब जितना जितना अपनी समझ की ओर जाता है उतना उतना हम दूसरे में भी समझ को पुष्ट करने पे ध्यान देते हैं। एक्सप्रेशन तो उसका एक नेचुरल आउटकम है, कभी एक्सप्रेशन आएगा कभी नहीं आएगा, और बार बार निर्वाह करते हुए हमें अगले व्यक्ति के अंदर जो बैठे हुए गहरे गहरे संस्कार है उसका भी पता लगता है, दिखता है कि किस स्तर पे काम होना शेष है। उसमें आप पाएंगे कि अल्टीमेटली जो सोल्यूशन निकल पाता है एक सस्टेनेबल ढंग से, कि अगला व्यक्ति सेल्फ एक्सप्लोरेशन के प्रोसेस में लग जाए तभी वो उस व्यक्ति में परिमार्जन हो पाता है। हमारे व्यवहार से जितनी बात जाती है दूसरे तक वो टुकड़ों टुकड़ों में जाती है, तो टुकड़ों टुकड़ों में कभी फल परिणाम आते हैं कभी नहीं आते, बट व्यक्ति को खुद ही दिख जाए कि वो निरंतर सुखी होना चाहता है और निरंतर सुखी होने का यही कार्यक्रम है, हमें सही समझ सही भाव सुनिश्चित करना, तो उस व्यक्ति में गति बनती है, अन्यथा ये स्थितियां बनती रहती हैं। जी जी भैया, हाँ लेकिन भैया इसमें हम उसमें जो मैंने महसूस किया उस समय, जो मैंने देखा अपने भीतर, वो ये आ रहा था कि जो आपने बोला कि हम फिर सामने वाले का मूल्यांकन करके उसके अनुरूप हम अपना आगे का प्रोग्राम बनाते हैं, क्योंकि जो वहाँ पर थोड़ा सा जो परेशानी या दुख होती है उसका रीजन होता है कि हम अपना समय और एनर्जी वहाँ पर लगा रहे हैं, तो फिर प्रोग्राम में ये चेंज आता है कि अब इतना समय एनर्जी वहाँ पर नहीं लगा, तो ये जब नहीं लगाएंगे तो उसमें थोड़ा अंदर ये कंफ्यूजन होता है कि इसका मतलब मैं संबंध नहीं देख पा रहा हूं। तो थोड़ा सा वो दुख होता है, बाकी नहीं होता है क्योंकि उसके अनुरूप प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, पर कहीं ये समझ नहीं आता कि ये जो हम प्रोग्राम में बदलाव कर रहे हैं तो क्या मैं अब संबंध नहीं देख पा रहा हूँ, सामने वाला कैसा भी व्यवहार करे मुझे वैसा ही रहना चाहिए, और उसमें क्योंकि समय और ऊर्जा जाती है क्योंकि हम कहीं और लगा सकते हैं और उसके परिणाम वहाँ पे अच्छे आ सकते हैं अगर हम उसको और कहीं भागीदारी में लगाएं, तो जहाँ समझने की तैयारी है तो वहाँ हम लगाएंगे तो उसके परिणाम भी आएंगे, और जहाँ हम लगा रहे हैं वहाँ पर नहीं आ रहे तो हम अपना समय और थोड़ी सी ऊर्जा को बचा लेते हैं वहां से, तो उसमें उस समय ये फील आता है कि संबंध का भाव, मैं संबंध का भाव नहीं देख पा रहा हूँ, वो मुझे लगता है कि यहाँ मुझे थोड़ी सी क्लियरिटी। हाँ, तो ऐसा नहीं कि संबंध का भाव नहीं देख पा रहे, संबंध का संबंध सिर्फ एक ही व्यक्ति से तो नहीं है ना, संबंध तो हर एक मानव के साथ है। तो अगले व्यक्ति की स्थिति का आकलन हमने किया, अभी जितना हमने समय व प्रयास लगाया उसके अनुसार जो परिणाम आया उसके आधार पर फिर हम अपने प्रयास का मूल्यांकन करते हैं, तो हमको लगता है इस व्यक्ति को और अवसर देना ठीक है ना, और अधिक प्रयास करने से इस व्यक्ति में जितना परिमार्जन होगा है ना, वो प्रयास अगर कहीं दूसरी जगह लगाया जाए तो वहाँ ज्यादा परिणाम आ सकते हैं, तो फिर उस व्यक्ति को अवसर देते हैं समझने का कि ठीक है आप अपना समय लीजिए, अदरवाइज वो व्यक्ति भी परेशान हो सकता है कि हम उसके पीछे पड़ गए। जी ठीक है, तो ये ठीक है, उस समय हम थोड़ा सा संबंध तो हमारा हर एक मानव के साथ है, तो जिसकी जैसी पात्रता है उसके अनुसार हम समय लगाते हैं है ना। हाँ, हमने कहीं एक जगह समय लगाया उसका फल परिणाम अभी उस तरह से नहीं आ रहा क्योंकि इतनी तैयारी नहीं है, तो हम तैयारी के लिए अवसर देते हैं। जी हाँ, बिना विरोध का भाव नहीं, वहाँ पे हम उसको तैयारी के लिए अवसर देके हम अपना जो प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं, ताकि उसके अनुरूप जहाँ और परिणाम आ सकता है, हमारी भागीदारी जहाँ पर
कुछ ठीक में परिणित हो सकती है तो हम वहां भागीदारी करते हैं। जी 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 थैंक यू भैया, थैंक यू। बढ़िया भैया बढ़िया। तो इस चीज को हम लोग ऑब्जर्व करते रहे, आगे के सत्रों में भी हम लोग इस पे बार बार लौट के बात करेंगे और आपसे पूछते रहेंगे कि आपने दिन भर में कितना समय लगाया अपने को ऑब्जर्व करने के लिए। तो हम एक अभ्यास बना लें कि हर 4 घंटे पे हमें 15 मिनट से आधा घंटा अपने साथ लगाना है, अपने ऊपर ध्यान देना है। जी, तो हम लोग ने लेक्चर 4 तक डिस्कशन किया था, उसके बाद हमने अभ्यास 1 और 2 का परिचय लिया, उसके बाद अभ्यास 1 का स्टेप 1 पूरा किया। अभ्यास 1 में मूलतः हमने स्वयं द्वारा स्वयं को देखने का अभ्यास किया और उसके स्टेप 1 पे हमने अपनी कल्पनाशीलता को देखने का अभ्यास किया और उसमें भी मूल रूप से अपने भाव के प्रति सजग होने का अभ्यास किया। तो अपने विचार को तो हम फिर भी थोड़े प्रयास के साथ देख पाते हैं, भाव को देखने में थोड़ा समय लगता है। उस प्रयास को हम करते रहे और आगे हम लोग उसको बनाए रखेंगे। इस भाव की सजगता के साथ ही हम लोग आगे के स्टेप्स पे काम करेंगे और साथ साथ जो वस्तु है स्वयं के ज्ञान के बारे में, अस्तित्व के ज्ञान के बारे में और अस्तित्व में मानव की भागीदारी के ज्ञान के बारे में, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो लेक्चर 5 में जो हम लोग बात करने वाले हैं कि सेल्फ इज सेंट्रल टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस, बॉडी इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सेल्फ। तो मानव के होने में मैं केंद्र में हूँ, शरीर साधन मात्र है। इस बात को उन्होंने संक्षेप में पहले भी रखा था, अब इसको थोड़ा विस्तार से रखते हैं और हम देखेंगे कैसे मैं ही दृष्टा हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ। जी भैया, तो मानव मैं और शरीर का सह अस्तित्व है, इस पे हम लोगों ने ध्यान दिया, इसको समझने का प्रयास किया। ये दिखता है कि मैं की आवश्यकता और शरीर की आवश्यकता अलग अलग है, मैं की क्रिया और शरीर की क्रिया अलग अलग है और मैं का जो रिस्पॉन्स है और शरीर का जो रिस्पॉन्स है ये दोनों भी भिन्न है। तो मैं एक चैतन्य इकाई हूँ, शरीर एक जड़ इकाई है। चैतन्य को चैतन्य द्वारा देखने का ही अभ्यास हम लोगों ने अभ्यास 1 में किया, चैतन्य द्वारा जड़ को देखने का अभ्यास हम लोग अभ्यास 2 में करेंगे। तो एक तरफ तो हम लोग इस पूरे प्रस्ताव को सुन रहे हैं, फिर उसका अपनी कल्पनाशीलता में विश्लेषण कर रहे हैं, फिर उसको अपने सह स्वीकृति के आधार पर जाँच कर देख रहे हैं, फिर उसके साथ अपने जीने का हम चित्रण कर रहे हैं कि अगर ये बात समझ में आती है तो मेरे जीने का स्वरूप क्या होगा, और उसके साथ इन दोनों वास्तविकताओं को एक शुद्ध दृष्टा के रूप में देखने का भी अभ्यास कर रहे हैं। तो हम इतना सारा काम एक साथ कर रहे हैं, ये बात कहना ठीक है। तो प्रस्ताव को सुन भी रहे हैं ताकि प्रस्ताव जैसा है वैसा मुझ तक पहुंच जाए, उसका हम विश्लेषण भी कर रहे हैं, उसको हम रैशनल बेसिस पे देख रहे हैं, उसको विश्लेषित कर रहे हैं, पूर्व जो संचित सूचनाएं हैं उसे मिलाकर देख रहे हैं, वहां तुलन भी कर रहे हैं ना, और उसके साथ फिर हम इसको जांच भी रहे हैं कि ऐसा ही मुझे सहज रूप से स्वीकार होता है कि नहीं। फिर उसके साथ हम जीने के स्वरूप को चित्रित भी कर रहे हैं अपने आप में कि अगर ये बात समझ में आती है तो जो सुविधा की आवश्यकता है वो कैसे हम उसको पहचान पाएंगे, है ना, मैं की आवश्यकता को पूर्ति करने का कार्यक्रम क्या बना पाएंगे। तो ये भी कर रहे हैं और साथ साथ हम अब एक जो हम लोगों ने अभ्यास 1 में काम शुरू किया इसको एक शुद्ध दृष्टा के रूप में देखने का भी काम कर रहे हैं कि मैं जैसा हूँ वैसा मैं अपने आप को देख पाऊँ, है ना। बढ़िया, तो इन सब चीजों को साथ साथ लेकर चलने की जरूरत है। तो इस पर हम लोग अभ्यास 2 में ही बात करेंगे विस्तार से, यहाँ उसमें हम लोग इस पर परिचय ले लेते हैं कि मैं और शरीर इनके बीच में अगर देखें तो सहस्तित्व तो बना हुआ है। मैं शरीर के साथ हूँ, शरीर मेरे साथ है और मेरे और शरीर के बीच जो सहस्तित्व है उसमें जो निर्वाह है वो सूचना के आदान प्रदान के रूप में है। तो मैं शरीर को निर्देश देता हूँ और शरीर से मुझे संवेदनाएं मिलती हैं जिसको मैं पढ़ता हूँ। तो मेरे और शरीर के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो एक सूचना के रूप में है, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, है ना। तो मैं अपने अंदर कोई निर्णय ले रहा हूँ और उस शब्द के रूप में मेरे शरीर के माध्यम से बाहर आ रहा है, तो मैं इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ शरीर को कि ये शब्द कहने हैं, है ना। मेरे विचार में बहुत सारी बातें हो सकती हैं परंतु अभी इस सत्र में मुझे क्या कहना है, कितना कहना है, इसका मैं निर्णय ले रहा हूँ और उस तरह से शरीर के द्वारा अभिव्यक्त हो रहा है। और सामने स्लाइड है, मैं उसको देख रहा हूँ, उसका आस्वादन भी कर रहा हूँ। तो हम देखें तो मैं और शरीर के बीच में इसी प्रकार से निर्वाह होता है, तो सूचना का आदान प्रदान होता है। और आप ये भी देख पाएंगे कि मेरे और शरीर के बीच में सिर्फ सूचना का आदान प्रदान है, कोई मेटेरियल ट्रांजेक्शन नहीं है। तो मैं शरीर को कुछ निर्देश दे रहा हूँ, जैसे उठो, चलो आदि, है ना, बोलो,
बैठो, लेट जाओ, खड़े हो जाओ, और शरीर से मुझे संवेदनाएं प्राप्त हो रही है जिसको मैं पढ़ता हूँ, और आप पाएंगे कि शरीर में कुछ ना कुछ घटनाएं तो हो ही रही हैं। शरीर की हर कोशिका में क्रिया हो रही है, हर अंग में क्रिया हो रही है कि नहीं, तो शरीर के अंदर कुछ क्रियाएं हो रही हैं और शरीर के ऊपर बाहर की जो क्रियाएं हैं प्रकृति में हो रही हैं उसका प्रभाव भी पड़ रहा है, चाहे दूसरे मनुष्य का व्यवहार हो या जो भौतिक रासायनिक घटनाएं हो रही हैं उनका प्रभाव हो, और ये सब मुझ तक संवेदना के रूप में पहुंचती हैं, परंतु मैं निर्णय के अनुसार पढ़ता हूँ, मुझे लगता है कि आवश्यक है तो मैं पढ़ता हूँ। जैसे आप देखेंगे तो पाएंगे कि शरीर के हर अंग में कोई ना कोई क्रिया हो रही है, बट मुझे लगता है ठीक है, शरीर अपना काम कर रहा है, उस पर क्या ध्यान देना है ना, शरीर अपने आप में पाचन का काम कर ही रहा है, हृदय अपना काम कर रहा है, धमनियां अपना का, आर्टरीज एंड वेंस अपना काम कर रहे हैं, लीवर अपना काम कर रहा है, तो हम उधर भी ध्यान नहीं देते, बट ध्यान देते हैं तो दिखाई भी देता है कि हाँ इन अंगों में क्या क्या हो रहा है। अभी महत्वपूर्ण ये है कि जो सामने स्लाइड है उस पर ध्यान दिया जाए, उस पर ध्यान देते हैं। अगर कोई प्रश्न कर रहा है तो महत्वपूर्ण ये है कि उनकी बातों को सुना जाए, स्लाइड पर भी ध्यान ना दिया जाए, वहां ध्यान देते हैं। तो हम जिसे महत्वपूर्ण मानते हैं उधर ध्यान देते हैं और उतनी ही संवेदनाओं को हम पढ़ते हैं। तो जो मैं संवेदनाओं को पढ़ता हूँ उसमें मेरा निर्णय शामिल होता है, जैसे यहाँ कुछ उदाहरण लिखे गए हैं कि कोई दर्द हो रहा है शरीर में, अब मुझे उस समय वो महत्वपूर्ण लग रहा है तो पढ़ते हैं। आप पाएंगे कई बार कि दर्द बना हुआ है शरीर के किसी अंग में, दर्द कई दिनों से बना हुआ है, तो अब हमें वो गौण लगने लगता है, महत्वपूर्ण नहीं लगता, ठीक है बाकी चीजों पर ध्यान दिया जाए तो बना ही रहता है। कहीं पैर के किसी अंग में कोई चुभन होती है ना, अब वो बना रहता है, कोई टीस मार रहा है बना रहता है, तो शुरू में तो ध्यान देते हैं, बाद में हमको लगता है कि ठीक है ये तो होता ही रहता है। तो हम जो ध्यान भी दे रहे हैं दर्द की ओर, उसमें मेरा निर्णय शामिल है, कहीं पे इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, स्पेलिंग थोड़ा हम लोग बदल देंगे, इचिंग के बजाय इसको इचिंग कहना ठीक है। तो जो इंस्ट्रक्शन है जो शरीर को मैं दे रहा हूँ वो एक सूचना के रूप में है जो मैं द्वारा शरीर को दिया जा रहा है, और जो सेंसेशन है जो शरीर से मुझे मिल रहा है वो भी एक सूचना के रूप में है। तो आपको दिखाई देगा कि मेरे और शरीर के बीच में जो भी आदान प्रदान हो रहा है सिर्फ सूचना के रूप में है, यहाँ कोई पदार्थ का आदान प्रदान नहीं है। वैसे तो बात ही रैशनली समझ में आती है कि मैं तो चैतन्य हूँ, मैं पदार्थ कैसे ले सकता हूँ, ठीक, और शरीर जड़ है तो शरीर में जो कुछ भी है पदार्थ ही है। बट मेरे और शरीर के बीच का जो सहस्तित्व तो बना हुआ है, जहां से मेरे और शरीर के जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो सिर्फ सूचना के रूप में है, नहीं कोई पदार्थ का ट्रांजेक्शन नहीं है। तो रैशनल बेसिस पे तो ये बात पकड़ में आती है, बट इसको हम सीधा सीधा ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। तो शरीर में कोई घटना हो रही है उसकी सूचना मैं ले रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, ठीक, मेरे स्वयं में कोई पदार्थ आ रहा है ऐसा नहीं, अन्ना मैं कोई पदार्थ ट्रांसफर कर रहा हूँ शरीर को, तो कोई मेटेरियल ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा। अब ये और देखते हैं तो पाते हैं कि ये जो ट्रांजेक्शन हो रहा है जो अभी बात कर रहे थे उसमें डिसीजन शामिल है। तो जो शरीर को मैं निर्देश दे रहा हूँ इसका निर्णय मैं लेता हूँ। तो मेरे अंदर कल्पनाशीलता बहुत सारी बातें हो सकती हैं, जैसे अभी हम लोग जब अभ्यास करते हैं तो उसमें बात दिखाई देती है कि ध्यान बहुत सारे मुद्दों पे जा रहा है ना, एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे, दूसरे से तीसरे मुद्दे पे ध्यान शिफ्ट होता रहता है, बट हर बार हम शरीर को इंस्ट्रक्ट नहीं करते कि ऐसा कुछ करो। बट यदि कोई काम ध्यान में आ जाए कि अरे उनको कॉल करना था, बात किया था मैंने कि सुबह कॉल करूंगा, अब मैं शरीर को निर्देश देता हूँ कि हाँ भाई चलो है ना मोबाइल उठाओ, नंबर डायल करो, अगले व्यक्ति को कॉल मिलाओ, तो कल्पनाशीलता में तो बहुत सारी बातें चल रही हैं, बट उस क्षण जितना आवश्यक है उतना मैं निर्देश देता हूँ शरीर को, बाकी मेरे अंदर चलता रहता है। मेरे अंदर क्रिया हर क्षण चल रही है, कल्पनाशीलता हर क्षण चल रही है, विचार हर क्षण चल रहा है, कोई ना कोई भाव बना हुआ है, कोई ना कोई आस्वादन में कर ही रहा हूँ, जितना आवश्यक होता है उतना मैं चयन करता हूँ शरीर तक निर्देशित करने का, और शरीर में भी कोई ना कोई क्रिया हो रही है उसको भी मैं आवश्यकता अनुसार पढ़ता हूँ, वो भी मेरा ही निर्णय होता है। तो आप पाएंगे कि जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है मेरे और शरीर के बीच में वो मेरे ही निर्णय से हो रहा है, ये बात कहना ठीक है, इस पर अपना रिफ्लेक्शन दे सकते हैं, ये बात कहना ठीक है कि जो भी मेरे और शरीर के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है उसमें मेरा ही निर्णय शामिल है।
नमस्ते भैया जी। जी नमस्ते। भैया जी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई यहाँ पे। जैसे आपने बोला मेरा कुछ बॉडी में पेन हो रहा है, तो ये मेरा निर्णय कैसे हुआ ना? मतलब ट्रांजेक्शन, मतलब पेन हो रहा है ये मुझे पता चल रहा है, ये मेरा निर्णय? ये तो सब अपने आप ही हो रहा है, मतलब अपने आप, इन द सेंस इसमें मेरा रोल मुझे नहीं समझ में आ रहा। जी तो पेन हो रहा है ये मेरा निर्णय नहीं है, पेन की हाँ, ओर मैं ध्यान दे रहा हूँ ये मेरा निर्णय है। पर ये भी मेरा निर्णय कैसे है? थोड़ा यहाँ पे भी मुझे नहीं है, क्योंकि पेन की तरफ ध्यान दे रहा हूँ तो वो पेन हो रहा है, इसलिए वो ब्रेन की तरफ जो केमिकल, फिजिकल केमिकल रिएक्शन आई थिंक, तो वैसा कुछ ट्रांजेक्शन हो रहा है, उसकी वजह से मुझे पता चल रहा है, संवेदना हो रही है कुछ ऐसी। जी मतलब तो शरीर में कोई घटना हो रही है तो पेन हो रहा है, रिएक्शन फॉर्म में बोले, किसी भी फॉर्म में। जी शरीर में कोई जड़ क्रिया हो रही है, वो जड़ जी क्रिया आपके ब्रेन तक जा रही है ना, उसकी सूचना ब्रेन तक जा रही है, फिर ब्रेन से आप तक आ रही है। बट ब्रेन से आप तक जब सूचना आ रही है तो उसमें आपका निर्णय शामिल है। जैसे हो सकता है आपके शरीर में अभी कोई पेन हो बट यदि आप अभी मुझसे बात कर रही हैं तो आपका ध्यान मैं जो शब्द कह रहा हूँ उस पे है, पेन पे नहीं है। हाँ, तो अभी आप उस सेंसेशन को नहीं पढ़ रही है, हाँ, जी, है ना? वैसे जी, अभी अचानक ये ध्यान आ जाए कि बच्चे को तैयार करके स्कूल भेजना लेट हो रहा है, जी भैया, तो आपका पूरा ध्यान हट जाता है वहां से। जी, अब आपका ध्यान बच्चे की ओर है, स्कूल के टाइमिंग की ओर है, और आप उधर ध्यान दे रही है। ठीक बात है। तो शरीर में तो घटनाएं हो रही हैं, इनफैक्ट इसको आप बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे कि शरीर में तो हर कोशिका में, हर अंग में कुछ ना कुछ क्रिया हो ही रही है। मैं ध्यान देता हूँ तो पढ़ता हूँ, नहीं ध्यान देता हूँ नहीं पढ़ता हूँ। वो पेन तो बना हुआ ही है, बस मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ इसलिए मैं ऑब्जर्व नहीं कर पा रही हूँ, ऐसा बात कहना ठीक है? हाँ मतलब वो पेन तो मेरे बना की हुआ बात है। है, मैं अभी काफी दिन से मेरे पैरों में पेन है, वो बना हुआ ही है, जिस क्षण मैं ध्यान देती हूँ वो मैं फील कर पाती हूँ, और जिस क्षण मैं दूसरे कामों में ज्यादा व्यस्त होती हूँ, भले ही वो समझना हो या फिजिकल वर्क हो, तो उस समय मेरा ध्यान उस जगह से हट जाता है, इसलिए मैं उस स्थिति को नहीं ऑब्जर्व करती हूँ, ये बात जी कहना ठीक है? ठीक बात है। तो आप उसको भी ऑब्जर्व नहीं कर रही है, उसमें भी आप पाएंगी कि कोई घटना हो रही है ना, उसको पेन आप नाम दे रही है, कुछ और भी घटनाएं हो रही है उसको आप पेन नहीं कह रही है। जैसे भूख लग रही है ना, आप उसको पेन नहीं कहती है, बट पैर में कोई सूजन है उसको आप पेन कह रही है। तो ये जो पेन हमने नाम दिया वो भी हमारा ही निर्णय है। हाँ, मतलब वो तो एक नाम दिया हुआ है, क्योंकि वो एक नॉर्मल सिचुएशन से कुछ अलग हो रहा है जो मुझे सहन नहीं हो रहा है। जैसे भूख का भी हम बोलते हैं कि कभी कभी बहुत जोर से भूख लग गई है, मतलब काफी दिन भर हो गया कुछ नहीं खाया और अचानक हम बहुत ज्यादा क्रेविंग फील करते हैं कि नहीं अब तो मुझे एकदम सहन नहीं हो रहा है, कुछ खाने को चाहिए। जी तो एक सीमा के बाद आप उसको पेन कहती हैं, उसके पहले आपको लगता है सब ठीक है। जैसे आप छोटे बच्चों को देखे, कुछ थोड़ा सा भी अगर हाथ में कुछ लग जाए तो उस पर रोने लगते हैं, परेशान लगते हैं, क्योंकि उसको पेन कह रहे हैं। हमें कुछ हो जाए हम उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं, घटना तो वही है। तो आप पाएंगे कि जो संवेदना आ रही है उसको भी अर्थ हम देते रहते हैं, किसी को पेन कह रहे हैं किसी को पेन नहीं कह रहे हैं, उसी घटना को आप पेन कह रही है, दूसरा व्यक्ति पेन नहीं कह रहा। जैसे आप धूप चिलचिलाती धूप में चल रहे हैं ना, पसीना आ रहा है, ठीक, जब आपको परेशानी कारण लग रहा है, कोई रिक्शा पुलर है रोज वही काम कर रहा है उसको परेशानी कारण नहीं लग रहा है कि नहीं? जी बिल्कुल भैया जी, ठीक बात है, मतलब संवेदना का स्तर तो है। होता ही है जी जी, संवेदना का स्तर तो हम देखते ही हैं कि कोई छोटी सी इसमें परेशान हो जाता है और कोई उसको ही सहन करके ज्यादा भी सहन कर जाता है, ऐसा हम देखते ही है रूटीन लाइफ में भी जी। और जिसको भी हम सहन करना भी कहते हैं वो भी हमारा ही निर्णय होता है जी, किसको जी, सहन करना है, उसको सहन नहीं करना है। जी, जैसे ना नॉर्मल डे हो, सुबह हो गया, नाश्ते का टाइम हो गया,
और हो सकता है किसी की जिम्मेदारी है नाश्ता बनाकर आपको देने की और वो अभी तक लाया नहीं, तो हम उसको सहन नहीं कर पाते भूख को, है ना। हम तुरंत कहना शुरू करते हैं, भाई क्या हो गया, इतना लेट क्यों हो रहा है। और यदि लगे कि आज हमारा व्रत का दिन है तो उसको सहन कर लेते हैं, ठीक है आज तो नहीं खाना है। संवेदना वही आ रही है, उसको हमने अर्थ क्या दिया है, ये भी है। एक तो संवेदना को पढ़ने का भी निर्णय हमारा है और संवेदना को अर्थ देने का निर्णय भी हमारा है, हम उसे क्या अर्थ देते हैं। नहीं, पेन हम ही कह रहे हैं, हम ही उसको कई बार पेन ना कह के कुछ और भी कह सकते हैं कि नहीं, ये बात ठीक है भैया जी। अभी तो थोड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है, पर मैं और विचार करती हूँ, फिर कुछ लगा तो आपसे जरूर पूछूंगी जी। पर अभी तो मुझे कंफ्यूजन ही हो रहा है कि अच्छा मैं उसको क्लैरिफाई कर देता हूँ, अलग है इसीलिए हम उसको पेन कह रहे हैं ना। हाँ, आप उसे पेन कह रही हैं, उसका दूसरा व्यक्ति उसको पेन ना कहे, ऐसा हो सकता है जी भैया जी, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी लोग अपने शरीर में पियर्सिंग कराते हैं, कान में मान लीजिए कुंडल डालना है तो पियर्सिंग कराते हैं, ठीक। किसी को उसको बड़ा मजा आ रहा है कराने में, किसी को पेनफुल लग रहा है, ऐसा होता है कि नहीं होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल होता है। तो आप पाएंगे कि संवेदना को पढ़ने का निर्णय भी हमारा है और संवेदना को अर्थ देने का निर्णय भी हमारा है। अभी हम लोग उस पर बात करेंगे, आगे विस्तार से बात करेंगे। तो एक तो हमें ये दिखाई दे कि मेरे और शरीर के बीच में कुछ आदान प्रदान हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, जो भी आदान प्रदान हो रहा है वो सूचना के रूप में है, कोई मटेरियल ट्रांजैक्शन नहीं है। तीसरा, इस आदान प्रदान में मेरा निर्णय है, मेरे निर्णय के आधार पर हो रहा है ना। इतनी बातें अभी हम ऑब्जर्व करते हैं, इसके आगे और हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, जो अभ्यास दो में विस्तार से बात करेंगे, अभी थोड़ा उसका हम लोग परिचय ले रहे हैं जी। हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्ते सर, मैं में जो भय बना हुआ है तो उसके ऊपर जो मैं निर्णय ले पा रही हूँ कि ये ना हो जाए ये ना हो जाए, तो वो संवेदना मेरी परंपरा का निशानी है जो पहले बहती हुई। ये संवेदना तो नहीं है, संवेदना तो सूचना कह रहे हैं जो शरीर से आपको मिल रही है। तो आपके अंदर कोई भय बना हुआ है, उस भय के आधार पर आपके अंदर कोई विचार चल रहा है जी, ठीक। और फिर एक आशा बनी हुई है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, जी, कुछ सुखद हो जाए, है ना, ज्यादा अच्छा हो, कहीं दुखद कुछ ना हो जाए, तो ये आपके अंदर चल रहा है। इतना जरूर हो सकता है कि आपके अंदर जो चल रहा है उससे आप शरीर को प्रभावित कर रही है। तो फॉर एग्जाम्पल आपके अंदर भय है तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ रहा है, आपके शरीर पर प्रभाव पड़ रहा है ना? ये विचार शरीर पे भी फर्क डालते हैं, है ना। हाँ, उसके अंदर जो भाव विचार होता है उसका शरीर पे प्रभाव पड़ता है जी। और फिर उसमें ये होता है कि आपके शरीर पे जो प्रभाव पड़ा वो संवेदना के रूप में फिर आप उसको पढ़ते हैं। जैसे आप पाएंगे किसी को बहुत भय लगता है तो पसीना छूटने लगता है ना, जैसे कई बार बोलते हैं डर से पसीने छूटने लगे, तो उसके अंदर भय उत्पन्न हुआ, उसका शरीर पर प्रभाव पड़ा कि पसीना छूटने लगा, फिर आप उस पसीने के संवेदना को पढ़ते हैं कि देखो पसीना छूट रहा है। तो ये जो भय बना रहता है, ये जो भय बना रहता है ये हम खुद ही बना रहे हैं, ये हमारे समझ के अभाव में हमारे अंदर बना हुआ है। हम चाहते तो नहीं है भयभीत होना, बट जो हमने मान लिया समझ के अभाव में, जैसे अगर हम मान ले कि मैं शरीर हूँ और शरीर तो चला ही जाएगा एक समय, तो अगर हमने मान लिया कि शरीर गया तो मैं गया तो भय बना रहेगा, बिल्कुल प्राण भय कहते हैं, तो हमारे अंदर मृत्यु का भय बना ही रहता है जी। या दूसरे ने कुछ कह दिया तो उससे मेरा मान सम्मान चला गया, अगर हमने ऐसा मान लिया तो हमारे अंदर दूसरे के संबंध में सम्मान के जाने का भय बना रहता है। तो ये जो सम्मान के जाने का भय है ये बहुत ज्यादा सफल है, वह यदि हम सम्मान को न समझें तो ये सब भय हमारे अंदर लग रहता है, कुछ भी न समझें। जिस चीज को हम नहीं समझते हैं उसके बारे में हमारे अंदर शंका बनी रहेगी, नेचुरल सी बात है। अगर मैं पेड़ पौधों को ना समझूं तो पेड़ पौधों को लेकर शंका बनी रहेगी, पशु पक्षी को ना समझूं पशु पक्षी को लेकर शंका बनी रहेगी, और जहां भी शंका होगी वहां भय उत्पन्न होगा।
अगर मैं अपने आप को ना समझूं तो अपने आप को लेकर भय बना रहेगा, मेरा क्या होगा, है ना। शरीर को ना समझे, शरीर का भय बना रहेगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, शरीर गया तो मैं गया। संबंधों को ना समझे, संबंधों का भय बना रहेगा। व्यवस्था को ना समझे तो कहीं अव्यवस्था ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। इनफैक्ट जब हम सहअस्तित्व को जैसा वैसा देख लेते हैं तो फिर हमारे भय, हमारे अंदर भय का लेश मात्र नहीं रहता, क्योंकि पूरा अस्तित्व हमको सहअस्तित्व के रूप में नित्य वर्तमान दिखाई देता है। उससे पहले अंश में या किसी रूप में भय तो बना ही रहता है। राइट सर, वो हमें अंडरस्टैंड, राइट अंडरस्टैंडिंग से ही समझ आ सकता है कि हम उसको समझे बैठ के। जी जी, ठीक है सर, थैंक यू सर। बढ़िया दीदी। भैया नमस्ते सभी को। कोई मैंने अभी तक जो समझा है या मेरा जानना है कि बॉडी को सेल्फ ही चलाता है। अगर हम सेल्फ ने चाहा कि मुझे दुखी होना है तो ही हम दुखी होंगे, अदरवाइज बहुत सारी, आपने जो बहुत सही एग्जांपल दिया कि हमको कुछ भी हो जाए, अगर हमारे सेल्फ ने नहीं माना कि ये दुख नहीं है तो हमें वो दुख नहीं होता है। कि हमें अगर कोई कुछ डिस्टर्ब भी करता है तो इट डिपेंड्स अपॉन अस, कि हम ये सोचते हैं कि मुझे बुरा लगना है तो मुझे बुरा लगता है। अगर मुझे कोई कुछ भी बोल दे लेकिन मेरा सेल्फ बोलता है कि अरे यार तुझे खुश रहना है तो हम खुश रहते हैं। ये मैं देख पा रहा हूँ भैया इन दिनों में, क्या ये सही है? थोड़ा विश्लेषण कीजिए प्लीज। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, भिन्न ढंग से देखना ठीक होगा। तो हाँ, ये बात हुई थी कि शरीर में कोई घटना होती है, अर्थ देते हैं, है ना। तो अर्थ अगर हम समझ के आधार पर देंगे उस घटना को जैसा वैसा देखेंगे, उसको हम एक घटना के रूप में दिखाई देता है कि हाँ शरीर की व्यवस्था के अर्थ में है कि नहीं। तो ये भी एक मानना है कि हमने कुछ पेन मान लिया, ये भी एक मानना है कि हमने कहा कि पेन नहीं है, कुछ और ही है। बट जब मैं उस घटना को शरीर में जो हो रहा है जैसा वैसा देखता हूँ तो उसके आधार पर फिर मेरे अंदर स्वीकृति बनती है कि हाँ अभी इस क्षण ये घटना हो रही है, अब इसके लिए मुझे क्या योजना बनानी है, क्या कार्यक्रम बनाना है, अब मुझे करना क्या। जी जी, वैसे दूसरे तो व्यवहार के अर्थ में भी है। तो ऐसा नहीं कि दूसरा कुछ अपशब्द भी कह रहा है तो हमें मान लेंगे कि ठीक है सम्मान ही कर रहा है। नहीं, अपशब्द कह रहा है मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे उसके साथ उसके समझ का भाव भी दिखाई दे रहा है। हाँ, और संबंध के भाव के साथ मैं अपना व्यवहार तय कर रहा हूँ। जी भैया, अगर ठीक से दिखा जाए तो ऐसा निकलेगा। ऐसा नहीं कि ये ना मानकर कुछ और मान ले, मुद्दा मानने का नहीं, मुद्दा जानने का। जी भैया, लेकिन उसके अपशब्द सुन के मैंने भी अगर अपशब्द बोलना चालू कर दिया तो फिर उसमें और मुझ में फर्क क्या रहा? फिर मैं क्यों अच्छा ह्यूमन बीइंग अपने आप को मानने लगा हूँ, या मैं क्यों अपने सेल्फ को डेवलप करने लगा हूँ? वो बोल रहा है तो बोलने दीजिए, लेकिन मुझे तो अपना कंट्रोल रखना है। जी भैया, उसको उसको फिर से ठीक कर लेते हैं। हाँ, है ना? एक संभावना है कि उसने अपशब्द कहा, हमने भी अपशब्द कहा। हाँ, वो भी ठीक नहीं है। एक उसने अपशब्द कहा और हमने उसको सुशब्द मान लिया, अच्छा मान लिया कि अच्छा कह रहा है, ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है। हाँ, वो जो कह रहा है उसके पीछे हमने भाव को देखा। हाँ, और हमने ये भी देखा कि उसकी चाहना गलत नहीं है, भाव गलत हो गया है। हाँ, है ना। अब उसका भाव ठीक कैसे होगा उसके मैं विचार कर रहा हूँ, अपने अंदर संबंध का भाव बना हुआ है। जी भैया, तीसरी संभावना ये ठीक है। जी भैया, गुड मॉर्निंग भैया, सभी को नमस्ते। भैया मैंने देखा अभी कि मैं अभी वर्कशॉप से जब लौटी और मैं अपनी कार्यस्थल पे गई तो मैंने देखा मेरा काम किसी और को करना पड़ा, तो जो रिस्पांस मिलता था वो नहीं मिला लोगों का, परंतु मैंने अपने भाव देखे कि वहाँ मेरे भाव बहुत संबंध वाले थे और मैंने जो मुझे इग्नोर भी कर रहे थे तो मैंने उनसे भी बात की, फिर वो नॉर्मल हुए और इसके बाद जो शेष काम था वो भी मैंने किया। तो यहाँ मैंने अपने आप को ऑब्जर्व किया। तो भैया ये मतलब मैं पूछना, ये मैंने मेरा निर्णय था कि सहज स्वीकृति बन पड़ी है कि मैं मेरा निर्णय था कि ऐसा करना है। दूसरी बात, यदि हमारे किसी बॉडी में दर्द है और हम नींद में हैं परंतु वो दर्द की संवेदना इतनी तीव्र हो जाती है कि नींद खुल जाती है, तो फिर मैं स्वयं निर्णय लेता है कि नहीं सोना है, मैं तो मेरी नींद फिर लग जाती है परंतु वही चीज सपने में आने लगती है। मतलब सपना दिखता है कि किसी से कह रही हूँ कि यहाँ दर्द हो रहा है यार बहुत। तो ये क्या है भैया, ये समझ में नहीं आता है। तीसरी बात, जब मैं वर्कशॉप में थी भोपाल में
तो लोग 2-3 दिन तो काफी मतलब ऐसे आए थे कि अरे ये शासकीय वर्कशॉप है, होता रहता है। फिर तीसरे दिन से वो लोग बहुत डीपली कनेक्ट होने लगे। उसके बाद समृद्धि की जब बात हो रही थी तो बहुत लोगों ने कनेक्ट किया और रियलाइज भी हुआ उनको कि हम वास्तव में भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बढ़ रहे थे। परंतु जैसे ही बाहर टी ब्रेक में गए और वहां एक दुकान लगी थी कपड़ों की, तो सारी ये चीज एक महिला ने वहां पे, एक टीचर ने बोली भी, शेयर की कि हम लोग यहाँ अंदर समृद्धि की बात कर रहे थे, बाहर जाके तुरंत दौड़े कपड़े देखने। तो वो तो पहली बार थी, पर मैं तो कंटिन्यू जुड़ी हूँ, तो मैंने भी देखा स्वयं को वहां पर कि मेरे अंदर भाव, मैं भी एक सेकंड को वहां पर देखने के लिए खड़ी हो गई, पर मैं भी भूल गई वहां पे। पर मेरे भाव वहां ये खरीदने के नहीं थे, सिर्फ देखने के लिए। तो ये इतने के बावजूद भी ऐसा हो रहा है, तो भैया ये 2-3 बातें आपसे करनी थी, तो प्लीज। जी जी, बढ़िया बात तो ये है कि आपने इतनी बारीकी से इन तीनों घटनाओं को देखा। भैया वो स्लाइड लगा दीजिएगा लेक्चर 5 पर, तब तक इसके बाद भी हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए, जो भी कल्पनाशीलता में हो रहा है वो मेरा निर्णय है जी। तो जो आपने पहली बात कही है ना कि कुछ निर्णय आपने लिया, तो आपका निर्णय तो है। वैसे सोते समय यदि हम किसी दर्द के कारण उठते हैं या फिर निर्णय लेते हैं कि सो जाए, वो भी हमारा ही निर्णय है। तो होता यह है कि शरीर के प्रति हमारी एक स्वीकृति बनी हुई है। अब जैसे रात को सोए हैं तो हमारी एक स्वीकृति बनी कि शरीर को भी आराम देना है, बट उसके साथ ये भी बना हुआ है कि अगर कोई बहुत ही प्रतिकूल घटना हो रही है शरीर में तो उठ के बैठ जाना है, नहीं तो शरीर में कोई रोग उत्पन्न हो जाएगा। और उठ के बैठे भी, उसका फिर लगा कि नहीं कोई इतना प्रतिकूल भी नहीं है, अभी तुरंत हॉस्पिटल जाना पड़े, अभी और सोया जा सकता है। तो फिर हमने निर्णय लिया कि सो लेते हैं। तो जो भी कल्पनाशीलता में चल रहा है वो तो मेरा ही निर्णय है ना, ये बात अपने को दिखाई दे सकती है। और ये तीसरी आपने बात कही, तो ये तो ठीक है कि हमको वर्कशॉप में जाते हैं, प्रस्ताव सुनने को मिलता है, उसको हम ध्यान से सुनते हैं, उसमें विश्लेषण भी करते हैं, पर उसे भाव में परिमार्जन हो गया वहीं बैठे बैठे, ऐसा तो भी नहीं हो सकता। किसी का हो भी जाए ना तुरंत मूल्यांकन कर ले, बट इन जनरल नहीं हो पाता, लोग अपना ध्यान नहीं देते, नहीं दे पाते, तो नहीं होता है परिमार्जन। अगर वो परिमार्जन ना हो तो हम बाहर आकर प्रभावित हो जाते हैं। उसमें एक संभावना ये भी है कि समृद्धि का भाव समझ में भी आया, बट हो सकता है घर में कपड़ों की जरूरत हो, है ना, तो भी हम देखने जा सकते हैं कि अगर कपड़े की जरूरत है तो जाके देख लेते हैं। अगर कपड़ा पर्याप्त है और फिर भी जा रहे हैं तो ना समझिए, कपड़े की आवश्यकता है तो समृद्धि के भाव के साथ भी जाएंगे। यहाँ समृद्धि की स्पष्टता है और हम जाके देखते हैं कि और कपड़े आ गए तो ले लेंगे। तो ये सारी संभावना है, या तो हमें बैठे बैठे दिख जाए, जनता की ये भी संभावना होती है कि हम पहले से हमारा संस्कार इतना पुष्ट है कि वर्कशॉप में कोई बात सुनने को मिली और हमें बात बैठे बैठे दिखने लगी कि हाँ ऐसा ही है, मैं और शरीर अलग अलग हैं, सुविधा की आवश्यकता सीमित है, एसेंशियली हम साधन संपन्न नहीं, समृद्ध होना चाहते हैं, सुख का मतलब हारमोनी में जीना है, ये संवेदनाओं से जो मिलने वाला है सुख नहीं है। हो सकता है हमारा संस्कार पहले से ही इतना पुष्ट है कि वर्कशॉप में बैठे बैठे हमको दिख जाए, क्वाइट पॉसिबल। नहीं दिखा है तो फिर उसमें जितना हमको विश्लेषित हुआ है, जितना हमारे आस्वादन में आया है, उतने का तो हम काम करेंगे जी। और भैया वो जो स्कूल में हुआ मतलब, तो वो मुझे मतलब मुझे अंदर से बहुत अच्छा लगा कि मैंने सबसे बात की और सब मैंने शेष अपना काम भी किया, तो ये तो मुझे दिख रहा है स्वयं में, तो ये मैं मतलब मेरा सही है क्या आंकलन? हाँ ठीक बात है, मतलब जितना दिख पा रहा उतना निर्वाह कर पा रही जी। उसमें भी जो उसमें मूलभूत जो भाव है जी, जी। आधार में जो भाव है, अगर हमको पूरी तरह से दिख जाए तो दिखेगा भी और उसकी निरंतरता भी रहेगी, उसका सुख भी मिलेगा और उससे कभी कोई शंका भी नहीं होगी। सामूहिक रूप से उपलब्धि होती है तो हम उसे उपलब्धि के रूप में दिखते हैं। जब हमको हर क्षण दिखता है तो हमारे सहज घटना हो जाती है, सहज बात हो जाती है जी। तो मुझे तो अभी यही लगने लगा है भैया कि मैं बिल्कुल संबंध पूर्वक ही जी हूँ, और बस मुझे यही समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा तो नहीं कि मैं मतलब निर्णय ले रही हूँ कि नहीं, मुझे संबंध पूर्वक निर्णय तो लिया ही है, परंतु ये स्वाभाविक मतलब स्वीकृति, सहज स्वीकृति से हो रहा है ऐसा मुझे लग रहा है खुद में।
तो अच्छा लग रहा है भैया। जी जी बढ़िया, ये तो आपको ही तय करना है। जी 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 ओके भैया, थैंक यू। बढ़िया दीदी, नमस्ते। नमस्ते। मैं ये पूछना चाहता था कि जो हम ये पेन के बारे में अभी चर्चा कर रहे हैं कि मैं मतलब उसको देख रहा हूँ और मैं उसे एक अर्थ दे रहा हूँ, उसका प्रयोजन क्या है, मतलब हम आगे इसके क्या मायने देना चाहते हैं? क्योंकि मेरा प्रश्न इसलिए है क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, तो काफी सारी कंडीशंस ऐसी है जिसमें अगर हमने पेन को इग्नोर कर दिया तो हमें बहुत ज्यादा मतलब नुकसान हो सकता है उसमें आगे चल के, जैसे हार्ट अटैक हो गया या स्ट्रोक हो गया। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि हमें पेन को मतलब हम क्या कहना क्या चाहते हैं इसमें, कि हमें वो संवेदना है और उसको पढ़ के में मतलब अल्टीमेटली ज्यादातर पार्टिसिपेंट्स जो है हमारे वो उसको इग्नोर करने या उससे मतलब दूर रहने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये मेरा प्रश्न इस तरह से है। जी इसलिए मैंने उनके प्रश्न के उत्तर में ये कहा कि अब मैं उस घटना को देखता हूँ, शरीर में कोई घटना हो रही है और संयम के भाव के साथ मैं निर्णय लेता हूँ, तो पेन कहने से भी हो सकता है मेरे अंदर संयम का भाव विकसित ना हो, इग्नोर करने से भी संयम का भाव विकसित ना हो, परंतु जब मैं शरीर में होने वाली घटना को जैसा वैसा देखता हूँ तो उसका अनुरूप फिर योजना बनाता हूँ। तो मान लीजिए हाथ में कोई चुभन है तो मैं इसको इग्नोर नहीं करूंगा, है ना। अब मैं इसको देख पाता हूँ कि हाथ में चुभन है, अगर मैं इसके कारण को भी देख पाऊँ पास्ट में शरीर में जो घटनाएं हुई हैं तो उसमें रिलेट कर पाता हूँ, उसका ठीक से विश्लेषण कर पाता हूँ, अगर लगे कि डॉक्टर को दिखाना जरूरी है तो डॉक्टर को दिखाएंगे। तो अब मैं शरीर में होने वाली क्रिया को जैसा है वैसा दृष्टा भाव के साथ देख पाता हूँ, तो हो सकता है उसको पेन कहकर मैं परेशान हो रहा था, इग्नोर कह के मैं शरीर के प्रति गैर जिम्मेदार हो रहा था, अब मैं उस घटना को जैसा वैसा देखता हूँ तो संयम के भाव के साथ शरीर के स्वास्थ्य के अर्थ में निर्णय ले पाता हूँ। तो प्रयोजन न तो इग्नोर करना है न पेन कहकर परेशान होना है, प्रयोजन तो यह है कि शरीर के प्रति जिम्मेदार हो जाए। एक साधन के रूप में जब दिखाई देता है शरीर तो शरीर के प्रति हम ज्यादा अच्छे से जिम्मेदार हो पाते। वही बात है, मतलब मुझे लगा कि हमारे मतलब जो को एक्सप्लोरर है वो शायद इसको इस तरह से ले रहे हैं कि हमें पेन को इग्नोर करना है, तो इसीलिए मैंने ये बात रखी कि कहीं मतलब ये कुछ मतलब कंडीशंस ऐसी है कि जिसमें अगर हम इग्नोर करेंगे तो बहुत मतलब नुकसान हो सकता है, तो उसे उस तरह से देखा जाए। सही बात है आपकी, दोनों तरफ मतलब देखना है हमें कि ना तो उससे हम परेशान हो, उसको लेकर बैठे ना रहे, ठीक है, परेशानी का भाव लेके, और ना ही उसे इग्नोर करें। वही है ना, मतलब हमें मध्यम मार्ग में रहना है, सही तरीके से देख के उसका मूल्यांकन करना है, ठीक है। आज के असाइनमेंट ग्रुप में देखें तो जितनी बात आज हुई है इसको हम आज ऑब्जर्व करेंगे कि मैं और शरीर के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है और इस ट्रांजैक्शन का निर्णय मेरा है, इस बात को हम ऑब्जर्व करेंगे और अपने भाव के प्रति ऑब्जर्वेशन को हम बनाए रखेंगे। धन्यवाद सभी को, नमस्ते।